फर्स्ट टाइम मैं इस तरफ आया हूँ कोंकण में, और आई एम नॉट रिग्रेटिंग इट, आई एम जस्ट लविंग इट। सी फूड रेस्टोरेंट, आप भीड़ देख सकते हो कितनी यहाँ पे। सो गाइस, ये हमारी जितड़ा थाली आई है। सो गाइस, हिम्मतगढ़ फोर्ट देख के हो गया हमारा, और हमें एक भैया मिले थे, उन्होंने इसका हमको हिस्ट्री बताई, एंड विच वॉज रियली समथिंग यू नो, जो मतलब सुनने लायक थी। सो गाइस, अभी हम थोड़े आगे मतलब जो एक टर्न था जो हमें जेटी लेके जाता है वो हमसे मिस हो गया, तो अभी हमने यू टर्न लिया और रिटर्न जा रहे हैं। मुझे एक इंट्यूशन हो गया मुझे कि भाई हम थोड़ा आगे जा रहे हैं, यहीं पे कहीं पे है जेटी, जेटी जाने के लिए यहीं से कहीं से है। सो गाइस, यहीं से जाता है जेटी। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं जेटी, और यहाँ पे गाड़ियां लगनी शुरू हो चुकी है रिवर्स में, मतलब रिवर्स में इन लोग गाड़ियां डालते हैं फेरी में और फिर स्ट्रेट निकालते हैं बाहर, और गाड़ियां तो बहुत है। सो गाइस, आप देख सकते हो ये है टाइम टेबल फेरी का, आप नोट कर सकते हो अगर आप ट्रैवल करते हो इस तरफ। तो अभी फेरी आ रही है, सामने दिख रही है हमको, और 10-15 मिनट में यहाँ पे पहुँचेगी। यहाँ से हम निकल से और फिर जाते हैं श्रीवर्धन। तो श्रीवर्धन हम क्यों जा रहे हैं? श्रीवर्धन हम सिर्फ फिश खाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि श्रीवर्धन में सबसे अच्छा फिश मिलता है। तो थोड़ा डिटूर करेंगे और फिर वहाँ से हरिहरेश्वर रिटर्न आते हैं। तो चलो फिर चलते हैं। गाइस, अभी हम बानकोट जेटी पे, और अभी हमने फेरी बोर्ड की है। अभी यहाँ से हम जाएंगे बागमंडला, 10 मिनट लगेंगे। तो हमें ये भैया मिले, तो ही इज़ अ लॉ स्टूडेंट, ही इज़ अ स्विमर नेशनल लेवल का, एंड पिछले 15 दिन से ये है ना कोंकण घूम रहे हैं अकेले। ही जस्ट गोइंग टू ऑल द फोर्ट्स, रेड किए वो जेटी बिटी, बोलते मैं यहाँ पे नाव चलाना सीखा, मैंने यहाँ पे झाड़ पे चढ़ना सीखा, ऊपर चढ़ के उन्होंने माड़ी निकाला। माड़ी इज़ लाइक शो सर, सो दिस इज़ अ नेचुरल ड्रिंक, और ताड़ी होती है, माड़ी होती है, नीरा होती है। सो दिस इज़ नीरा, और जैसे ये धूप बढ़ती है ना तो इसमें नशा आता है, मतलब फर्मेंट, बेसिकली नशा नहीं आता सर, फर्मेंटेशन होता है, और फर्मेंटेशन से आपको नशा आता है। बट इतना शुगर है इसमें, ज़बरदस्त। आपका नाम सर? आनंद राजवंश। और आप कहाँ से? संभाजी नगर। संभाजी नगर, मतलब जो पहले औरंगाबाद बोला जाता था वो अभी संभाजी नगर हो गया। तो जय महाराष्ट्र। 2000 years later. सो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं बागमंडला जेटी। तो इट इज शोइंग 29 मिनट्स फॉर 15 किलोमीटर्स, और आप देख सकते हो नजारा ब्यूटीफुल। हेलो, हाँ बोला। हाँ, पावसाळकर, तुम्ही मला जरा व्हॉट्सअप करता का? म्हणजे लक्षात राहील माझ्या, मी आता हेल्मेट घालून तुमच्याशी बोलतोय। चालेल चालेल, मच्छी चांगली भेटली पाहिजे। इट्स रिअली ब्युटिफुल, मतलब दिस इज द फर्स्ट टाइम मी इस तरफ आय हूँ कोंकण में, और आय एम नॉट रिग्रेटिंग इट, आय एम जस्ट लविंग इट। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है, बहुत बहुत खूबसूरत है ये। और ये यहाँ पे समुंदर राइट साइड में, और लेफ्ट में पहाड़ है, और ये बीच में ऐसे खूबसूरत सी एक सड़क। गाइस, आप देख सकते हो फ्रेश लग रहा हूँ मैं, हाँ अभी मैंने मूड होया। हम पहुँच चुके हैं श्रीवर्धन, और पीछे देख रहे हैं तवसाळकर सी फूड रेस्टोरेंट। आप भीड़ देख सकते हो कितनी यहाँ पे, कितनी गाड़ियाँ लगी। सो 1.5 hour का वेटिंग पीरियड है, तो हमने सोचा है कि आए हैं तो अभी खा के ही जाएंगे, इसका टेस्ट क्या है वो देखते जाएं। तो चलो, हमने नंबर लगाया, देखते हैं अभी हमारी बारी कब आती है। तो मैं इस रेस्टोरेंट का लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, सो दैट यू कैन रेफर इफ यू आर कमिंग टुवर्ड्स हरिहरेश्वर, श्रीवर्धन, दिव्यागर, इस तरफ आप आ रहे हो या कोंकण कोस्टल कर रहे हो, तो ये रास्ते में आपको मिलेगा, आपको कहीं डिटूर करना है, ज़्यादा दूर नहीं जाना है। तो चलो फिर मिलते हैं आगे। गाइस, आप देख सकते हो इन्होंने ये बर्ड्स वगैरह यहाँ पर रखे हैं, ये जाली इतनी छोटी है कि कैमरा में ये कैप्चर नहीं हो रहा है।
सो द प्लेस इज ह्यूज और ये इनके यहाँ पे रूम्स भी देते हैं, सो दे हैव रूम्स ओवर हियर। यहाँ पे इनका ये रेस्टोरेंट है और ये स्पेस है। सो गाइस दिस इज़ द तवसरकर सी फूड रेस्टोरेंट, ये मराठी में लिखा है। सो गाइस पौना घंटा हो चुका है, अभी तक हमारा नंबर नहीं आया, तो आप समझ सकते हो ये कितना फेमस है। और तो चलो देखते हैं नंबर कभी आता है, मैं आपको भी बताता हूँ मैं क्या खाने वाला हूँ। तो गाइज़ एक घंटे की प्रतीक्षा के बाद आखिर में हमारा नंबर आ गया। नंबर आ गया मतलब अभी सीट खाली हो रही है, उसके बाद हम बैठेंगे, फिर ऑर्डर करेंगे, फिर ऑर्डर बनेगी, फिर खाना आएगा, हम खाना खाएंगे, फिर आपको बताएंगे स्वाद कैसा था। 2000 years later. So guys, आ चुका है, दिस इज मैकरल बांगड़ा जिसको बोलते हैं, और अभी तक खाली नहीं है, उसकी राह देख रहे हैं हम लोग, तो मैं टेस्ट करके देखता हूँ ये कैसा है। एक नंबर। कुछ रियली फ्रेश और मेन जो मसाला है ना एकदम परफेक्ट है। ज़्यादा मतलब कभी कभी होता है मसाला ज़्यादा होता है, कभी नमक ज़्यादा होता है, कभी क्या होता है, ये वैसा नहीं है, एकदम परफेक्ट है और परफेक्टली कुक्ड भी है। मतलब यूजुअली जब भी आप फिश कुक करते हैं ना तो फिश का जो फ्लैश होता है वो काफ़ी टेंडर होता है, और इसके बाद अभी थोड़ा भी आप ज़्यादा कुछ ये करोगे ना तो पूरा उसका टेक्सचर ख़राब हो जाता है। ये मैं इसके लिए बोल रहा हूँ बिकॉज आई एम अ फिशरमैन बाय कास्ट और फिश इज़ समथिंग, ये हमारा USP है, तो इसके लिए मैं इतनी कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ फिश के बारे में, बट द फिश इज़ अल्टीमेट। तो चलो मैं खाता हूँ और बाद में मिलता हूँ। सो गाइस ये हमारी जिताड़ा थाली आई है। जिताड़ा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैं देखता हूँ। सो दिस इज़ भाकरी, ये बनती है चावल की राइस, दिस इज़ फिश करी, दिस इज़ सूखा मच्छी एज इन जो सूखा प्रॉन्स होता है ना, दिस इज़ सोल कड़ी, कचुम्बर और नींबू। चलो दो घंटा रुकने के बाद ये सब आया है हमारे पास, मैं खाता हूँ और आपको बताता हूँ इसका स्वाद कैसा है। सो गाइस खाना हो चुका है, निकल रहे हैं अभी यहाँ से हम, खाने का रिव्यू मैं थोड़ी देर में देता हूँ आपको। दादा बीच कुटे बीच सर अरे थैंक यू। तो अभी हम जा रहे हैं श्रीवर्धन बीच पे, वैसे हम पहुंच चुके हैं, दिस इज श्रीवर्धन बीच। अभी पार्किंग ढूंढते हैं, पार्किंग बहुत मुश्किल लग रही है क्योंकि सब कुछ भरा हुआ है। So guys, this is the Srivardhan beach. Beautiful, मतलब बहुत अच्छी तरह से इन्होंने बनाया है, मतलब ये यहाँ से चलने के लिए आप सुबह मॉर्निंग वॉक कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो अगर आपको सैंड में नहीं जाना है तो। और देखिए इस बीच का, बीच की खासियत, सो दैट्स अ ह्यूज प्रॉन्स लॉबस्टर, लॉबस्टर नहीं है ये प्रॉन्स ही है। सो गाइस दिस हैज़ बीन डेवलप्ड, बहुत अच्छी तरह से इन्होंने डेवलप किया, वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे आपको देखिए बनाना बोट, बहुत सारी राइड्स भी है।
तो गाइस इसी तरह हम अभी श्रीवर्धन बीच से निकल रहे हैं। बहुत गाड़ियां आई है अभी, अच्छा हो गया हम जल्दी आके निकल गए। और वैसे भी हमको अभी जाना है 20 किलोमीटर हरिहरेश्वर, मतलब 20 किलोमीटर हम खाने के लिए आ गए और अभी 20 किलोमीटर घर जा रहे हैं, मतलब टोटल 40 किलोमीटर। क्या हो गया कि बैटरी जो है ना फ़ोन की वो हो गई है ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली, मरने वाली है। तो इसके लिए मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, शूट नहीं कर रहा हूँ कैमरा से, एज इन फ़ोन से शूट नहीं कर रहा हूँ। अभी 20 किलोमीटर जाना है। गाइस दिस इज़ अ रेस्टोरेंट जहाँ पे हमने खाया था, मतलब आप जैसे ही श्रीवर्धन एंटर करते हो यहाँ से ये बस नेक्स्ट रूट है। सो दिस इज श्रीवर्धन एसटी डेपो। अगर आपको लैंडमार्क चाहिए रेस्टोरेंट आने के लिए तो ये एसटी डेपो है, बस उसके बगल में ही है, एंड बगल में मतलब थोड़ा आगे है। Thousand years later. So guys, अभी हमने खाना खाया है यहाँ पे ओम श्री भोजनालय। If you ask me the experience, it's super bad. मतलब they are charging us about 350 rupees for a prawns थाली, जिसमें गिन के ना 8 से 9 prawns थे, इतने छोटे छोटे। एक ग्रेवी थी जिसमें सिर्फ एक ही prawn था, राइस था और कुछ भी नहीं था। अगर आप कुछ बेचते हो किसी को वो जस्टिफाई होना चाहिए कि हम क्या बेच रहे हैं और हम उसका चार्ज कितना कर रहे हैं। आई एम डिसअपॉइंटेड। अगर आप हरिहरेश्वर आते हो तो ये पर्टिकुलर रेस्टोरेंट है, इसका अवॉइड कीजिए। चलो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। ठंड लगने लगी है बिकॉज ऑफ यू नो ये जो वेजिटेशन है, बहुत पेड़ वगैरह है। कैसा लोर किया ये, सो डेंजरस इट इज़। मतलब थोड़ा भी कुछ उम्मीद हो गया तो बेचारा जो बाजू से जा रहा है तो वो तो ऐसे ही मर जाएगा।